योगी सरकार ने शुक्रवार देर रात 25 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिसमें 15 जिलों के कप्तान शामिल हैं। साथ ही एसटीएफ के 4 भागों में बांटकर अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस अधीक्षकों की तैनाती की गई है। शासन से जारी सूचना के मुताबिक मुरादाबाद के एसएसपी डीआईजी जी रविंद्र गौड़ को डीआईजी एसआईटी लखनऊ के पद पर तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि आगरा के एसएसपी अमित पाठक को मुरादाबाद, अयोध्या के जोगेंद्र कुमार को आगरा भेजा गया है और इसी तरह जौनपुर के पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी को एसएसपी अयोध्या बनाया गया है, जबकि शलभ माथुर की जिला में वापसी होते हुए मथुरा का एसएसपी बनाया गया है। इनके अलावा क्षेत्रीय अभिसूचना के एसपी विपिन कुमार मिश्रा को जौनपुर, पीएसी सोनभद्र केसे ननायक रमेश को एसपी फतेहपुर बनाया गया है। तो 25 आईपीएस के तबादले किए गए हैं और देर रात ये ट्रांसफर की लिस्ट जारी हुई है और ये लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से इस लिस्ट पर मुहर लगा दी गई है। प्रशासनिक फेरबदल हुआ है यूपी में और माना यह जा रहा है कि ये रूटीन प्रशासनिक फेरबदल है। आपको बता दें 15 जिलों के कप्तान और आईपीएस बदले गए हैं, यानी कि उनके तबादले किए गए हैं। कप्तान समेत 25 आईपीएस के तबादले हुए हैं।